अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चले जी, वीडियो का करनी है आगाज। सबसे पहले मैं मौसम दिखा दूँ अपने गार्डन का। देखें, हरे भरे पौधे छोड़ के गई थी और वापस आई और गंजे मंजे हो गए सारे। कुछ गंजे हो गए, कुछ के रंग ही बदल गए हैं। तो अब तो यही हाल होना है, मौसम चेंज हो गया, सर्दी आ गई है, गर्मी से आए हैं। गर्मी जब जर्मनी में रखा है कदम तो हो गई ठंड। मौसम देख के तो बड़ा मजा आया, ठंडा ठंडा, क्योंकि वहां बड़ी गर्मी थी तो। लेकिन ये है तो क्या करे, ये मौसम भी देख के मजा आया, वो तो फिर क्या करे। अब आ गए हम, उदासी छाई हुई है, अभी तक बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। थकावट इतनी ज्यादा हो गई है कि हद ही मुक्की पई है, कुछ 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 ना पूछो। तो मैं बनाने लगी अपनी चाय। चाय में आपको मैं भी मिस करती थी, मैंने जब से मैं गई ना फर्स्ट टाइम मैं खुद चाय बनाने लगी। वहां जाके आपको पता है मेहमान नवाजी, पुराने पुराने के चक्करा च बैठे रही था, खूब आराम मिलता है। इतनी बहने हूँ तो फिर कम भाभी हूँ, फिर कहाँ काम करने को दिल करता है, ना कोई करने देता है। तो ये था कि चले मैं आज अपनी चाय बनाती, साथ आपको भी दिखाती हूँ। सब मेरे से पूछ रहे थे कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो मैंने ना पाकिस्तान में 2 दिन पहले ही छोड़ दी थी वीडियो अपलोड करना। इतनी उदासी होती है काम, जैसे जैसे पैकिंग होती है वैसे सच्ची में दिल डूबता है। मुझे ये होता है कि जाने का टाइम आ गया ना, फिर ये है कि वो जो 2 दिन के बाद जाने, बस आज ही चली जाऊँ कि बस जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। ये हाल हो गया था कि काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था तो मेरी, इसलिए 2 दिन वीडियो पहले ही मेरे बंद कर दी। हाँ, सफ़र की वीडियो अगर किसी ने देखनी है तो मेरे जो मियाँ का चैनल है वहाँ जाके देखें, उन्होंने एक एक चीज़ कवर की है, वो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। वहाँ आप ज़रूर जाएँ, उनका चैनल विजिट करो और आपको पूरी वीडियो मिलेगी। चाय मेरी होगी रेडी, साथ में लूंगी चावल। तो अभी मैं आपको खिलारा दिखाने लगी हूँ, जो मैं छोटी छोटी चीजें लेके आई किचन की वो निकाल रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मैंने वादा किया था आप साथ साथ दिखाऊंगी, ये ना समझे तो घर की सफाई सुथराई पे जो भी है ना वो इग्नोर करें। अभी तो मैं आई हूँ तो कार साफ करेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आगे जाकर मेरी थोड़ी सी वीडियो मेरे मियाँ वो करेंगे, क्योंकि एक पैकेट आया था मेरी किसी दोस्त ने भेजा था उसके मुतल्लिक है। तो फिर आखिर में जो लेने गए थे ना उनको मैंने बोला था कि वीडियो साथ बना दे ताकि कवर हो जाए। मैं तो जा नहीं सकती, जहाँ ड्राइवर वाले अड्डे पे जाना था तो वहाँ पे ये गए थे, मेरा भाई गया था, तो वो उन्होंने पैकेट करना था, लेना था बल्कि। तो जो भी चीज़ें निकलेंगी इसके बाद मैं आपको अपने खुद हाथों से दिखाती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये मेरी बेगम साहिबा ने मुझे एक काम सौंपा था, मेरे जिम्मे लगाया था कि इतों कुछ ना सामान लेके आना है, क्योंकि बेगम साहिबा को सामान आया था कहीं से, हमारी एक बहना ने भेजा था, तो वो यहाँ पे आ गया। तो वो मेरी उसने ड्यूटी लगाई थी कि उतने जाए होते उसे जाकर चुक ले चुक के लेके आ जाए। बहरहाल अब मैं आ गया हूँ इधर शाहद साहब के साथ और देखते हैं कि हमको क्या यहाँ से लगता है। आ जाए, हम आपको भी दिखाते हैं कि हमको यहाँ से क्या लबा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए ड्राइवो के अड्डे के ऊपर और मसला यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ है कि जो शाहद साहब का जो नाम है ना उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अभी हम डीक रहे हैं अपने, क्योंकि उन्होंने कंफर्म करना है कि बंदे यही हैं जिन्होंने पार्सल लेना है। तो जो ही मुझे पार्सल मिलता है तो मैं आपको फिर आपको बताता हूँ। भाई के नाम का पैकेट आया था, भाई का निक नेम मैंने बता दिया सिस्टर को, और आईडी दे के तो चीज़ें लेनी थी, तो आईडी पे इनका नाम था दूसरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको टेंशन भी पंगा भी पड़ा, फिर टाइम लगा लेने का और आखिरकार मिल ही गया पैकेट। चले जी, पार्सल हमें मिल गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अब हम घर लेके जाएंगे और इसको वो खोलेंगे, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और फिर आपको दिखाते हैं, बल्कि मेरी बुढ़ी आपको दिखाती है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो कब कब के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिरी दिनों में पता है कितने काम होते हैं, तो मेरी वजह से इनको जाना पड़ा डाइवो अड्डे पे, क्योंकि सिस्टर थी लाहौर में शायद रहते हैं अगर मैं गलत ना हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ें भेजी हैं। इनका मैं एक जो पेज है वो लिंक साइड पे आपको दिखा दूंगी। तो ये चीज़ें खुद उनकी अम्मी बनाते हैं और इतनी मज़े की चीज़ें थी, तो मेरा मेरा हक बनता है कि उनको मैं पूरा पूरा प्रोटोकॉल दूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत इतनी अच्छी पैकिंग के साथ चीज़ें भेजी हैं कि मैं आपको भी खोल के भी दिखाती हूँ। लगता ही नहीं कि इतनी दूर से आई हैं और वो गिरेंगी या खुलेंगी, कोई कोई डर ही नहीं है। हाँ, अगर किसी ने ऐसी चीज़ें लेनी है तो मैं उनका पेज अभी आपको दिखाती हूँ, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकती हैं और अपनी चीजें ले सकती हैं। अचार है, मिक्स अचार निकला और सूड़े का अचार इतना मजे का था, साथ निकला आलू बुखारे की चटनी। चीजें तो खैर तीनों भेजी हैं, तीनों बड़ी टेस्टी, तीनों मजे की थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि एक दिन रात को हमारी फ्लाइट थी। मुझे ये था कि मैं उनको पूरा दिखाऊं ताकि वो उनको पता लगे मेहनत की है तो उनको फल मिला है। तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग करके ले आई थी ताकि मैं आप जर्मनी में जाकर इनको मैं साथ जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो खैर, जिन्होंने चीजें लेनी है वो आप जरूर
जरूर जाके विजिट करें। तो जो चीजें लेके आए डायवर्डेस उनका भी मेहरबानी, मेरे भाई है, मेरे हस्बैंड, उनको अपने इतने काम थे मेरी वजह से उनको जाना पड़ा, उनका भी शुक्रिया। तो चीजें आप देख रहे हैं, ये इनके पेज है आप फीरा किचन के नाम, फीरा हाँ अगर मैं गलत ना हूँ तो ये इनका किचन का नाम है, तो मतलब इनके चैनल का नाम है। तो आप यहाँ से जाके अपनी चीजें पसंद की ले सकते हैं। तो खैर मुझे तो बड़ी चीजें पसंद है, मुझे ये था मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ से मैं अब दोबारा वापस आपको जर्मनी लेके जाऊंगी, जो मैंने शुरू में बताया था किचन की चीजें निकाल रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी किचन की चीजें। तो आपको मुझे उम्मीद है पसंद आवानगे, तो फिर मेरे तरीफा तरफा करे कमेंट्स में। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं किचन की चीज़ें लेके आई ना, वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। जैसे जैसे चीज़ें निकलेंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखा दूँगी। ये प्लास्टर की प्लेट्स लेके आई हूँ जो आम यूज़ करूँगी मैं ना, मुझे मैंने कभी यूज़ नहीं की प्लास्टर की, इधर से मिलती भी नहीं है और वो चीनी की मिलती हैं या ऐसे दूसरे जो शीशे की होती वो मिलती है। तो मुझे बड़ी पसंद है ये वाली ना, पता नहीं क्यों। तो ये मैं 6 ये डिज़ाइन लेके आई हूँ और 6 ये वाला लेके आई हूँ। तो ये माइक्रोवेव जो होते हैं ना, माइक्रोवेव में भी हो जाते हैं गर्म, ये देखिए तो मैं पूछ के सारा आई हूँ। तो मुझे ये था बच्चे अक्सर नए, तो खैर फिर भी नहीं करूँगी, मुझे यही एक बार शीशे की प्लेट्स में करूँगी सालन गर्म। फिर भी मुझे पता है मुश्किल है, मैं ले आई हूँ लेकिन। तो ये मैं 6 लेके आई हूँ कोलियाँ इसको कहते हैं ना, पता नहीं क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पर कोलियाँ यूज़ कम होती हैं सालन, पाकिस्तान में मैंने देखा वो यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ ये जो प्लेटें हैं ना इसी में सालन यूज़ होता है। तो ये लेके आई हूँ छाबियाँ, ये मेरी बहन बना के लेके आई है बहावलपुर से, मुझे जो पूछते ना पिछली छाबियों के बारे में, वो भी बहावलपुर की हैं और ये भी बहावलपुर की हैं। ये 2 छाबियाँ लेके आई हैं। अच्छा जी, और ये 3 का सेट लेके आई हूँ डोइयों का, इसके अंदर ये वाली है और दूसरी एक भी सादी है बिल्कुल, ये मैंने खोली नहीं, अभी आपको दिखाती हूँ खोल के अगर मैं खोली तो। अच्छा जी, पवा लेके आई हूँ, मेरे पास छोटे वाला था तो ये बड़ा, खैर मैंने लेके नहीं आना था क्योंकि दराज में रखने का मसला होता है। तो ये मेरे मियाँ ने जो मैं कह दूँ ना, ये नहीं लेना, ये घर में है तो वो तो आपको पता मस्त उठाना होता है, तो ये उन्होंने लिया बड़े वाला फुल साइज़ में। ये देखें जी, ये मैं क्या लेके आई हूँ, ये लेके घोटना। मुझे इतने मैसेज आए इसके बारे में कि आप ही घोटना ले लें, तो मैंने सबसे पहले ये उसको उठाया घोटने को। चलें जी इधर आ जाते हैं। तो ये लिए मैंने प्लास्टिक के ही चम्मच सालन डालने वाले, और स्टील के लिए मैंने चावल डालने वाले, और ये एंड पे मुझे चेज़प में मिले थे ये वाले, मुझे ये भी अच्छे लगे, ये भी मैंने उठा लिए। तो खैर ये इतने हल्के सच्चे में, ये सही वाले हैं, मैंने उसको बोला भी अच्छे वाले दिखाएं, तो ये मुझे अब जा कर ना हल्के लग रहे हैं। चले कोई नहीं, 80 कड़ा इतना लड़ाई करनी। अच्छा ये लेके आई हूँ चम्मच, मुझे रेड में मिला है, तो रेड में और कलर थे ही नहीं, जाते जाते ऐसे ही उठा लिया और मैंने अंदर रख दिया। अच्छा जी ये है छुरियाँ तेज़ करने वाली, मेरे मियाँ कह रहे थे तेरे ज़बान में इतना तेज़ करा है, मैं क्या मेरी पहली बड़ी तेज़ है। ये नाइफ छुरियाँ जो तेज़ करते हैं ना वो है, और ये मैं लेके आई चिमटा, ये देखें हाय हाय स्वाद आ गया इसका, जो नीचे ऐसे कहीं उठाने वाला है ना ये बड़ा अच्छा है। और जो सबसे जो मुझे की चीज़ है ना वो है ये छोटे वाले चिमटे, इतने अच्छे। इधर से मैं डैडी से एक यूरो के, पता नहीं 2-3 यूरो के लेके आई थी एक, और वो खोलते टूट गया था, ये मुझे मजबूत लग रहे हैं। अच्छा जी ये लेके आए छोटे चम्मच, बच्चे बड़े यूज़ करते हैं, दही खाते हैं तो मुझे लगता है दही के साथ ही फेंक देते हैं खाली डब्बी के साथ ही, तो ये लेके आई हूँ। और ये मैंने 7 चम्मच बड़े वाले लेके आई हूँ, 12 मेरे पास हैं, तो फिर भी आपको पता है आदत होती ना चबले मारने की। अच्छा जी ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना ये वाली फ्राई करने वाली, तो ये मुझे एक नई चीज़ लगी, मेरे लिए नई थी, मैं एक ये ले आई हूँ साथ। ये जो छोटा पवा लेके आया ना, ये मैंने किसी जो मेरे के इधर बांग्लादेश की सिस्टर हैं तो उसने फरमाइश की थी, बल्कि मुझे व्हाट्सअप किया था, तो ये उसके लिए लेके आई हूँ। अच्छा ये मैं लेके आई हूँ चिमटा ही कह लें, क्या कहता है, पराठा बनाने के लिए लेके आई हूँ, नॉनस्टिक तवा लाई हूँ ना उसके लिए मैं लेके आई हूँ नॉनस्टिक ही चिमटा, चिमटे बड़े इकट्ठे किए ने मैं। अच्छा जी ये एक है टीन्स खोलने वाला लॉकर, लॉक खोलने वाला, ठीक है। अच्छा जो ये देखें जी छाननी है, वाह जी वाह, ये छाननी लेके आई हूँ जी, ये छाननी लेके छाननी की गाल ही आदत च रह गई थी, मियाँ साहब टपक पे था। अच्छा जी छाननी लेके आई हूँ, पहले छाननी और थी, अब ये वाली लेके आई हूँ, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, हालांकि मैं मुझे इतनी यूज़ नहीं करनी, फिर मैं ले आई हूँ। अच्छा जी ये मैं लेके आई हूँ पानी पीने वाला मग्गा, क्योंकि मेरा बेटा जो ना भर के लेके जाता है ऊपर अपने कमरे में, उसके लिए लेके आई हूँ। और ये लेके आई मैं बाल्टी, डोल लेके आई हूँ, डोल इसका नाम मैंने डोलू डाल दिया।
अच्छा जी, ये देखिए जी, तवा, सब कह तवा बदल लो बाजी, तवा बदल लो। तो ये मैंने लेके आई हूँ नॉनस्टिक तवा। देखिए अब क्या, कितनी देर यूज़ होता है, कितनी देर के बाद ये काला होता है। चले जी, ये हो गया मेरा तवा। और ये मैं लेके आई हूँ प्लास्टिक का जग, ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आई हूँ। उसका ऊपर कमरा है ना, तो उसको पानी बहुत पीता है माशाल्लाह, तो ये उसके लिए लेके आई हूँ ताकि गर्मी में वो आराम से पानी पी सके। और जो ये देखें जी, ठंडा ठंडी गिलास स्टील के, ताकि हम गर्मी में ठंडा पानी पिए इसके अंदर। अच्छा जी, ये ऑयल वाली शीशी है, ऑयल डालने वाली। तो ये कप्स लेके आई हूँ, इसका मैं भी खोल के डिज़ाइन दिखाती हूँ। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। तो ये है हार्ड पार्ट, मैं सिंपल हार्ड पार्ट लेके आई हूँ, पता क्यों, ये देख आराम से खुल जाता है, तो आराम से बंद हो जाता है। एक मैं पिछली दफ़ा लेके आई थी, उसका इधर ना जीभ थी, जुबान थी उसकी, इसके ऐसे डालने वाले, डालते इतना मुश्किल हो जाता था ना कि कौन इसके सुराख ढूंढे, कौन से यहाँ से इसको ला करे। तो मुझे चाहिए था बिल्कुल सिंपल, जल्दी काम करने वाला। तो खैर मार्केट में इतनी वैरायटी भी नहीं थी, जिसमें गए थे एक ही में गए थे, एक में सारा कुछ उठा के ले आए हैं, क्योंकि जगह जगह जाया नहीं जाता, जैसी जैसी चीज़ें मिली हैं वैसे वैसे हमने पकड़ ली हैं। तो एक दिन में हम गए हैं, तो एक दिन में सारा कुछ उठाया, जो जो याद आ रहा है वो मैंने उठा लिया, जो सामने मेरे था। मुझे तो सिल्वर स्टील की कढ़ाइयाँ बड़ी पसंद थी, लेकिन पता क्या, यहाँ पे ना चूल्हे आपको पता है और तरह के हैं, तो इतनी चीज़ें वो चलती नहीं। तो अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ ये वाले जो कप है ना, ये मैं खोल के दिखाती हूँ। बाकी चीज़ें ये हैं, ये किचन की चीज़ें, मुझे ये था कि मैंने जो निकाल ली हैं तो मैं इसकी वीडियो बना लूँ। मैंने आपको बोला था ना, जैसे जैसे चीज़ें निकालूंगी वैसे मैं आपको दिखा दूँगी, तो वादा किया पूरा। तो हूँ इस तो बाद आएगी वीडियो मेकअप की, और जो भी मेरी बेटी ने चीज़ें ली है वो, हाँ उसकी, इसकी दूसरी किस्त वो आएगी। अब मैं इसकी एपिसोड बनाऊंगी, एपिसोड 1 शॉपिंग हॉल, एपिसोड 2 शॉपिंग हॉल। तो ये किचन की जो चीज़ें हैं, इतनी है मैं नहीं ली, मुझे खैर लगा इतनी मैंने नहीं ली। तो आपको कैसी लगी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ना कप दिखा लूँ। ये देखें, ये वाले कप लेके आई हूँ, और ये पता क्या, ये दो दो लेके आए मैंने मियाँ, मैंने नहीं उठाने थे, उन्होंने ऐसे, ये दो इस तरह के हैं, ठीक है, दो ही इस तरह के हैं, ये अपने लिए लेके आए हैं, जो हम आम यूज़ करेंगे ना उसके लिए। और दो ये तो वही डिज़ाइन मुझे लगता है। अच्छा जी, ये भी वही है, हाँ ये दो हो गए। ये वाला इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला ये लिए हैं, ये मैंने लिए हैं अपने लिए, ये मुझे अपने लिए मेहमानों के लिए, मतलब 6 इस कलर में, ये 6 हैं, ये देखें जी, ये 6 हैं, 6 ये हैं। चलें जी, ये मेरी किचन की चीज़ें आप देख रहे हैं। चलो जी ठीक है, जैन जैन चीज़ा निकलेंगे एन जैन जी, मैं तुम दिखा देवगी, मैं लगता तुम अच्छी लगनगियाँ। आम रूटीन वाली चीज़ें लेके आई हूँ, कोई बड़ी चीज़ें नहीं लेके आई, क्योंकि सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हमारी पाकिस्तान की होती है, वो यहाँ से नहीं मिलती, वही मैंने उठाई हैं। मैं ऐसी वजन लैके जाना, जो चीज़ें तो यहाँ से मिलती है, मैं क्यों लेके आऊँ। चलो जी, ये मैं देवो इजाजत, तो दूजी किस चाहवागी, ब्यूटिशियन दिया, ब्यूटी दीज़ा जी लैके आई हैं वो वहाँगी, तो ये मैं देवो इजाजत। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी, अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।